मोमो कैसे बनाया जाता है। हम लोग ये दो भाई ने बना के हम लोग को बढ़िया से मोमो खिलाया, बहुत टेस्टी मोमो था। इसे गोभी लेता है, गोभी को इसे काटता है, काट के उसके बाद प्याज भी काटता है छोटा छोटा करके। गोभी और प्याज लेना है और हम लोग जो न्यूट्रेला बोलता है सोयाबीन उसको लेना है। जो प्याज को छोटा छोटा काटना है, छोटा छोटा काट के इसको ऐसे करके आप ग्लास से भी छोटा छोटा कर सकता है। और एक डब्बा लेना है, उसमें लहसुन, उसके बाद ये न्यूट्रेला, अदरक मिक्स करके इसे बनाया जाता है चटनी। उसके बाद गोभी को ऐसे छोटा छोटा करके काटना है। मिक्स करना है गोभी के साथ, मतलब मिक्स करके दोनों मिक्स करना है, छोटा छोटा करना है। उसके बाद इसमें प्याज डालना है, उसके बाद मैदा लेना है, मैदा को बढ़िया से मिक्स करना है, मिक्स करके रोल करके बेलना है। बेलना से बेल के ख़त्म होने के बाद ग्लास लेना है, स्टील ग्लास, स्टील ग्लास से इसे गोल 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 करके इसको काटना है। इसे काट के ख़त्म होने के बाद उसके बाद जो हम लोग गोभी और ये न्यूट्रेला मिक्स करके, प्याज मिक्स करके जो बनाया था छोटा छोटा करके, उसको अंदर में डालना है मोमो। चम्मच से लेना है, उसके बाद दोनों तरफ खींच के घुसा के जाना है। बनाने के लिए बहुत आसान है, और नीचे वाला बटन में पानी रखना है, उसका उसका भाप से ये पकता है। अभी मोमो पक चुका है, हम अभी टेस्ट करेगा। वाओ,